दोस्तों हम नया हेड ले आए हैं, इसके बाद इसको इसकी नई न्यू वाल फिटिंग करते हैं। इसके बाद हमने इसमें कंप्लीट होता है, केवल वाल मिलाना होता है केवल, जिसके हम बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसका और दूसरा नाम क्या है। तो इसका एमरी भी इसे बोलते हैं, वाल ग्रीन, वाल जिससे ग्रीन किया जाता है, तो पाउडर एमरी पाउडर बोलते हैं इसको, और ग्रीन पाउडर भी बोलते हैं, जैसा भी आपको मतलब नाम हो उससे बता देना दुकान में, तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें गाइड लगी आई होती हैं, अगर कभी गाइड लगाना पड़ा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम इसको सिर्फ ग्रीन करने वाले हैं इसको, क्योंकि जब गाइड हम नहीं डालते जब गाइड चेंज की जाती है तब ये सीट बराबर किया जाता है। तो दोस्तों अगर किसी का हेड मतलब अगर हमें न्यू वाल डालनी है तो अगर हम गाइड नहीं चेंज करेंगे तो आप न्यू वाल डाल के इसी तरह ग्रीन कर दीजिए पेचकस की मदद से, तो सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर गाइड आप चेंज करते हैं तो आपको उसके लिए हेड की सीट काटनी होगी, बराबर करना होगा, तो इसका वीडियो मैं अलग से दे दूँगा। फिलहाल आपको ग्रीन कैसे करना है, इसे इस वाल को जब तक ग्रीन करना है जब तक इसका यहाँ से पानी लीकेज यानी यहाँ से एयर ना निकलने पाए तब तक ग्रीन करना। हाँ तो मिल जाएगा, है परेशान इसका क्या टेंशन ले हो कि दिमाग खराब करे। हेलो, हाँ का, हाँ बस बनाओ जी, वो वाल वाल जो है घर का थी बनाओ थे। हाँ आगे हैं अब यार। डीजल है दोस्तों, ये थोड़ा सा डीजल लगा लें जिससे कि आराम होता है। सामान लगाए हैं ना, दोस्तों इसको ग्रीन कर लिया हमने अच्छे से। और दोस्तों आप एक जैसे ग्रीन जब पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है तो साउंड इसका जो है वो बदल जाता है। जब आपको थोड़ा सा काम करने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें ग्रीन होने के बाद आवाज़ कैसी बदल जाती है। तो दोस्तों अब इस यही प्रोसेस जो है वो दूसरी वाल्व में करना है आपको, इसके बाद आपका और अभी हम तो हमें आवाज़ से पता चल जाता है, जो काम करते हैं सब इनको पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, वॉइस अलग हो जाती है इसकी। और यही प्रोसेस आपको इस वाली वाल में भी करना है। और इसके बाद अगर आप काम पहली बार कर रहे हैं तो आप इसमें पानी डाल के देखिएगा, इस एयर क्लीनर से और साइलेंसर से पानी डाल के देखिएगा तो सही हो जाएगी। और इसके बाद यही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, इस वाली वाल में। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो सीट है ये बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो अब इसको क्या है कि आप पानी डाल के चेक कर लीजिए, हमें तो हमने चेक कर लिया है, आवाज़ से पता चल जाता है, जो बनाते हैं उन्हें पता चल जाता है। तो आप हम इसको जैसे ही जाके लगा देंगे, आप अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप पानी डाल के हमेशा चेक कर लीजिए, अगर पानी यहाँ से वाल से निकले तो आप फिर इसके बाद और ग्रीन करना इसके बाद। और दोस्तों वाल ग्रीन होने के बाद वाल चेंज ना होने पाए, जिस इस वाली वाल को इसी तरफ रहने दे, इस वाली वाल को इसी तरफ मतलब अगर मतलब इस तरफ की उस तरफ ना होने पाए, अगर हो जाएगी तो फिर आपका फिर आपको ग्रीन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना।